Hello students, how are you? Students, again, you are warm. Welcome in this next video for 12th class. We are discussing about the methods of sexual reproduction, chapter number one, reproduction in living organisms. So, students, I made one video earlier. In one first video, we have discussed about the one method of asexual reproduction that was the fission. And fission were of two type first one the binary fission, and next one is the multiple fission in this video we are going to discuss about the next method that is budding and also we will discuss in this video that is fragmentation so how budding occurs in the living organism by this method how reproduction occurs so students let's discuss about the budding in this a small bud like outgrowth gives rise to a new individual the outgrowth remains attached to the organism until it fully grown it attaches itself as life as an individual organism, for example, Hydra and yeast. so students in this method of a sexual reproduction, a living organism it produces a outgrowth. This outgrowth is known as the budding, sorry, bud, and this outgrowth, this is known as bud, and it gets nutrients for maturation from the parental body. This is parental body, so gets mature and it fully grown. When it's self dependent it deattached from the parental body and forms a new individual. So students most common examples are Hydra and yeast. So let's discuss the budding in Hydra. Budding in Hydra involves a small bud which is developed from its parent Hydra through the repeated mitotic division of its cells. द स्मॉल बर्ड दैन रिसीव्स इट्स न्यूट्रीशन फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड ग्रो हेल्दीली सो ग्रोथ स्टार्ट बाई डेवलपिंग स्मॉल टेंटिकल्स एंड द माउथ फाइनली द स्मॉल न्यूली प्रोड्यूस्ड हाइड्रा गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट हाइड्रा एंड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम सो स्ट्रेंड्स यू नो एक हाइड्रा अभी मैं पिक्चर की हेल्प से भी समझाऊंगा आप लोगों को तो हाइड्रा में एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है पहले इसमें टेंटिकल्स बनते हैं फिर माउथ बनता है और ये धीरे धीरे मैच्योर होता जाता है फाइनली ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है और पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता है इस तरह से एक हाइड्रा से दूसरा हाइड्रा बन जाता है तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं अब एग्जाम्पल से और ये फिगर से तो आप लोग देख रहे हैं ये हाइड्रा की बॉडी है और हाइड्रा की बॉडी में ये छोटी सी आउटग्रोथ निकली है इसको हम लोग क्या कहेंगे बर्ड तो बर्ड फॉर्मेशन हो गया ये बर्ड न्यूट्रिएंट्स को लेगी पेरेंटल बॉडी से और पेरेंटल बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद धीरे धीरे मैच्योर होगी इसमें बाकी के बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बनने लगते हैं तो आप लोग देख रहे हैं पहले टेंटिकल्स रीअपियर हुए और टेंटिकल्स के बाद इसका साइज़ ग्रो हो गया माउथ भी बन जाएगा और फाइनली जब ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी तो ये पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाएगी तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर वन हाइड्रा था और यहाँ पर दो हाइड्रा का फॉर्मेशन हो गया तो एक पेरेंटल इंडिविजुअल से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन बडिंग प्रोसेस के थ्रू होता है इसमें कोई गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हुआ ना ही कोई गैमिट का फ्यूजन हुआ इसीलिए इट इज द मोड और इट इज द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट मेथड सो वॉट इज इट हाँ अब दूसरे एग्जाम्पल के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं दिस इज द बडिंग ईस्ट ईस्ट में कैसे बडिंग होती है तो चलिए डिस्कस करते हैं इन ईस्ट बडिंग यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द अवनेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस प्रोसेस बडिंग का फॉर्मेशन जो है या बड का फॉर्मेशन जो है वो लगभग सेम होता है बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्मॉल वर्ड एराइजेज एज एन आउट ऑफ द परेंट बॉडी लेटर द न्यूक्लियस ऑफ द परेंट ईस्ट इज सेपरेटेड अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या है ये ईस्ट क्या है यूनि ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेलुलर है तो अब इसके लिए जो नया बड बन रहा है नई ईस्ट बन रहा है तो उसके लिए भी तो न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी उसमें भी न्यूक्लियस होना चाहिए तो उसका न्यूक्लियस पेरेंट्स के न्यूक्लियस के से ही बनता है हाइड्रा कैसा है मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो सेल्स थी उन्हीं सेल्स ने नए हाइड्रा का फॉर्मेशन किया लेकिन यहाँ पर यूनि है तो सिंगल सेल में आउटग्रोथ निकलती है और इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होता है फाइनली न्यूक्लियस इज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स साइटोकैनिस यानी साइटोप्लाज्म जो इसमें होता है वो भी टू पार्ट में धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है ये फरो बनने लगती है और फाइनली ये छोटे छोटे बड बन करके तैयार हो जाते हैं यहाँ से डीअटैच हो जाते हैं और फ्रीली सर्वाइव करने के लिए कैपेबल होते हैं तो आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं तो आप देखिए दोनों हाइड्रा में और ईस्ट की बडिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ जाना चाहिए ये यूनिसेलुलर है तो इसमें जो पेरेंट का न्यूक्लियस है वही डिवाइड होकर के नई जो इंडिविजुअल नया ईस्ट बन रहा है उसमें पहुँच रहा है लेकिन हाइड्रा में आप लोग को एक बार फिर दिखा देते हैं हाइड्रा कैसा है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर यहाँ इसकी बॉडी में यहाँ की जो सेल्स होंगी बहुत सारी सेल्स होंगी तो उन सेल्स की ग्रोथ से यानी सेल्स के सेल डिवीजन से माइटोटिक सेल डिवीजन इसमें होगा कौन सा माइटोसिस या फिर हम इसको क्या कहते हैं माइटोटिक डिवीजन तो माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन से यहाँ पर सेल का नंबर वो इंक्रीज हो रहा है जिससे कि बड की ग्रोथ हो रही है और फाइनली ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है लेकिन ईस्ट में ऐसा नहीं था तो ईस्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो ईस्ट में देखिए आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर यूनिसलर है और न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है फाइनली न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म भी टू अनईक्वल पार्ट्स में डिवाइड अब देखिए बहुत अच्छी बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए अनईक्वली साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड कर रहा है अन न्यूक्लियस तो इक्वली डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म अन डिवाइड कर रहा है तो ये समझने वाली चीज़ है चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आगे तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लीजिए बाइनरी फिजन और बडिंग दोनों में क्या डिफरेंस है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि यूनिसल्वर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसल्वर ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ एक आउट ग्रोथ निकली न्यूक्लियस ने डिवाइड किया साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ तो एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो गया अब बाइनरी फिजन में भी तो सेम ऐसे ही होता है पहले क्या होता है सेल्फरों बनती है इस तरह से और सेल्फरों में न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म भी दो पार्ट में डिवाइड होता है और दो नई सेल्स बन जाती हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बाइनरी फिजन और बडिंग दोनों लगभग एक जैसे आप समझ पा रहे होंगे लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है आप उसको समझ लीजिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है कई बार पूछा भी गया है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फिजन सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दैम सो स्टूडेंट्स यू नो बाइनरी फिजन डेफिनेशन तो आप लोग जानते हैं बाइनरी फिजन इज द एसेक्शुअल मेथड ऑफ सोन बाई बैक्टीरिया एंड आर्किया आर्किया क्या है एक कैटेगरी है बैक्टीरिया की जो सबसे पहले बैक्टीरिया बने थे अर्थ पर उनकी कैटेगरी को आर्किया कहते हैं या जो हार्स कंडीशन में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया उनको आर्किया कहते हैं इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बाय माइटोसिस एंड साइटोकैनिस तो आप लोग जानते हैं माइटोसिस होता है फाइनली साइटोकैनिस हो जाता है साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो सेल एक सेल से बन जाती हैं तो ये तो हो गया बाइनरी फिजन लेकिन बडिंग में क्या होता है बडिंग इज एन एसेक्सुअल मेथड सोन बाई बर्डिंग इज एन सेक्सुअल मेथड सोन बाई ईस्ट एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म इन विच अ डॉटर सेल डेवलप्स इन तो आप लोग देखिए यहां पर डॉटर सेल्स

तो आप लोग देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द पेरेंटल सेल पेरेंट सेल के साथ क्या होता है द ओल्ड इंडिविजुअल स्प्लिट इनटू टू न्यू इंडिविजुअल यहाँ पर ओल्ड इंडिविजुअल है वो दो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है मतलब जो पेरेंटल बॉडी है उसका कोई रिजिड्यू नहीं बचता है पेरेंटल बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचता है हालांकि पेरेंटल सेल या पेरेंटल बॉडी एग्जिस्ट करती है न्यू लिविंग बींग में तो यहाँ पर क्या होता है न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स एंड ओल्ड एंड ऑन द ओल्ड इंडिविजुअल द पेरेंट और ओल्ड इंडिविजुअल एज ए स्टिल देयर विदाउट एनी चेंज तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो ओल्ड इंडिविजुअल यानी पेरेंट है वो एज सच रहता है उससे नए इंडिविजुअल बन जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो ख़त्म यानि उसका एग्जिस्टेंस फिजिकली नहीं रहता है यहाँ पर लिविंग बॉडी यानी कि नए ऑफ स्प्रिंग में ही ये सर्वाइव करता है तो यहाँ पर ये यह दो बॉडी बन जाती है फिर बात करते हैं रिजल्टिंग सेल्स टू डॉटर सेल्स यानी कि दो डॉटर सेल इसमें बनती हैं इसमें अमोंग सेल एंड डॉटर सेल यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ एक ही डॉटर सेल बनेगी तो बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट ऑर्गेनिजम इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया एंड आर्किया तो आप लोग जान ही रहे हैं बैक्टीरिया जो है वो ट्रू बैक्टीरिया जो अभी हम लोग बैक्टीरिया देखते हैं नॉर्मल एज में जो बैक्टीरिया हैं या नॉर्मल बैक्टीरिया को हम लोग आर्किया जो हार्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में ज़्यादा टेम्परेचर पर या फिर ज़्यादा हारसी कंडीशन में सर्वाइव करने वाली बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं आर्किया कहते हैं उनकी कैटेगरी को मैनी यू कैन लाइक फंगी स्पॉन्जेज एंड सर्टिन प्लांट्स तो ये कहाँ पर होता है बडिंग ये फंगी में होता है फंगी क्योंकि ईस्ट भी क्या है एक यूनिसेलर फंगी है तो ईस्ट में यानी स्पॉन्ज में अब आपको थोड़ा सा और बताएंगे अभी डिफरेंसेस के बारे में और थोड़ा सा समझ लीजिए आगे और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं तो देखिए स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स साइज ऑफ द सेल साइज डॉटर सेल्स आर सिमिलर इन साइज़ अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस अगर आपको कुछ भी याद ना रहे तो ये तो याद जरूर रहना चाहिए क्योंकि जब अमीबा या कोई भी बाइनरी फिजन जो एनिमल करता है या लिविंग बिंग करता है तो उसमें दो इक्वल साइज की डॉटर सेल्स बनती हैं जिनका साइज पेरेंटल सेल के बराबर होता है लेकिन बडिंग में क्या होता है आउटग्रोथ निकलती है तो पेरेंटल साइज पेरेंटल बॉडी तो बड़ी होती है लेकिन जो नया इंडिविजुअल बनता है वो कैसा होता है छोटा होता है क्यों क्योंकि अनइकवली साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो इसीलिए यहाँ पर दोनों में क्लियर कट डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा यही मेन डिफरेंस है अब आगे देख लेते हैं साइटोप्लाज्म डिवीज़न तो आप लोग जानते हैं वही अभी जो हम लोग डिस्कस कर कर चुके हैं साइड ब्रांच ऑफ अ पेरेंट सेल डिवाइड्स अन ईवनली तो बिल्कुल टाइप्स अ टाइप ऑफ फिजन है ये और ये क्या है अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एक टाइप है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें सिंस बाइनरी फिजन इज अ नेचुरल प्रोसेस इट कैन नेबर बी डन आर्टिफिशियली यानी कि इसको आर्टिफिशियली नहीं कर सकते फॉर सर्टेन ऑर्गेनिज्म बडिंग कैन बी डन आर्टिफिशियली तो आप लोग जानते हैं प्लांट की बड से हम लोग नए प्लांट को भी ग्रो करा सकते हैं तो आर्टिफिशियली किया जा सकता है हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में इसका क्या यूज है हैज़ नो सच यूज इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है यूज एक्सटेंसिवली तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो इसका यूज बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इसका नर्सरी में यूज करते हैं यानी कि प्लांट कल्चर में इसका यूज करते हैं एक बहुत ख़ास बात आपको मैं स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि जो हम लोगों ने अभी बडिंग पढ़ा है तो बडिंग एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो चलते हैं आगे देखिए बडिंग जो प्रोसेस है ये बडिंग को हम लोग टोरुलेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं टोरुलेशन तो टोरुलेशन इज़ ऑल्सो द अनदर नेम ऑफ बडिंग अब टोरुलेशन या बडिंग दो टाइप का होता है एक एग्जो जीनस बडिंग बडिंग और एंडो जीनस बडिंग तो आप लोग देखिए ध्यान से कि एंडोजीनस और एक्जोजिनस बडिंग में क्या अंतर है क्या है ये तो एग्जो का मतलब आउटसाइड अभी जो आप लोग देख रहे हैं दोनों टाइप की हाइड्रा में और जो आपने देखा अभी ईस्ट में ये क्या है एक्जोजीनस बडिंग यानी कि पेरेंटल बॉडी के बाहर बड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्जोजीनियस बर्डिंग हो गई लेकिन एंडोजीनियस बर्डिंग क्या होता है जब कोई पेरेंटल बॉडी के अंदर ही बर्ड का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पर होता है तो आप लोग अगर आपने देखा हो तो इस्पॉन्ज जो इलेवंथ क्लास में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं तो इस्पॉन्जेज के आपने साइकॉन का स्ट्रक्चर अगर पढ़ा हो तो देखिए इस तरह से होता है इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पॉन्स इस इस्पाइंस होते हैं ये कांटे की तरह स्ट्रक्चर और बॉडी में बहुत सारे पोर होते हैं तो ये आप इसको अब ये स्पॉन्ज जो है अगर हम इसके अंदर की बॉडी देखें तो अंदर क्या होता है इसमें इस तरह से बडिंग बन होती है यानी कि बॉडी के अंदर बड बनती है इस तरह से तो ये स्पॉन्जोसील कैविटी है इस्पॉन्जोसील स्पॉन्जोशील कैविटी और इसके बाहर से ये क्या है कवरिंग हो गई इसकी और ये क्या हो गया इसका ऑस्कुलम तो अब अंदर की तरफ बड बन रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं एंडोजीनस बडिंग और अंदर की तरफ जो बड बनती है इसको हम लोग क्या कहते हैं एक टर्म देते हैं जेम्यूल तो जेम्यूल फॉर्मेशन यानी कि बड बडिंग जो होती है वो एंडोजिनस बडिंग होती है किसमें स्पॉन्जिज में स्पॉन्जिज तो स्पॉन्जिज में एंडोजिनस so, so, बडिंग होती है और एंडोजिनस बड को हम लोग जेम्यूल कहते हैं और जेम्यूल में क्या बनते हैं बहुत सारे क्या बनते हैं छोटे छोटे ये स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्ट्स रिलीव जाते हैं और नए इस्पॉन्जेज का फॉर्मेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको यहाँ पर बता दिया तो आप लोग मुझे लग रहा है ये समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स तो ये दो मेथड हम लोगों ने इसमें डिस्कस किए हैं आप इसको अच्छे से समझ लीजिए स्क्रीन शॉट लेकर के अपने नोट्स बनाते रहिए और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके या पर्सनल मैसेज करके आप उसको पूछ भी सकते हैं आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं देखिए फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू टू और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग ईच ऑफ विच ग्रो टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म काल्ड फ्रेगमेंटेशन आप देखिए ध्यान से सुनिए यहाँ पर ये क्या है एक एलगी है स्पायरोगैरा आप लोगों ने जो जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था तो इस स्पायरो की बॉडी जितने पार्ट में टूटती है उतने ही पार्ट में टूटने पर हर पार्ट को क्या कहते हैं फ्रेगमेंट कहते हैं तो ये फ्रेगमेंट वन फ्रेगमेंट टू फ्रेगमेंट थ्री और हर फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू ग्रो इन न्यू स्पायरो और ये एक नए स्पायरोगैरा में परिवर्तित हो जाता है तो कैसे परिवर्तित हो जाता है स्टूडेंट जिसमें कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या है कि जो फ्रेगमेंट है उस फ्रेगमेंट में कम से कम एक क्या होना चाहिए न्यूक्लियस होना चाहिए हर फ्रेगमेंट में एटलीस्ट वन न्यूक्लियस वुड बी प्रजेंट एक न्यूक्लियस प्रजेंट होना चाहिए इस तरह से तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है वो उसकी वजह से क्या हो रहा है नए ये जो फ्रेगमेंट है टूटा हुआ पार्ट है ये इस तरह से डेवलप हो जाता है इसी सेल से नए स्पायर वगैरह तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे ये कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट्स में होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं मार्केसिया मार्केसिया आप लोगों ने पढ़ा है इलेवन क्लास में ये क्या है एक ब्रायोफाइट है ब्रायोफाइट मार्केसिया और जो ब्रायोफाइट आपने पढ़ा होगा फाइलम उसमें रिक्सिया मार्केसिया दोनों आप लोगों ने पढ़े हैं इलेवन में तो रिक्सिया और मार्केसिया में ये होता है दोनों ब्रायोफाइट हैं सम एल्गी लाइक स्पायर वैरा स्पायर वगैरह में होता है और फ्लामेंटस एल्गी आप लोग देख रहे हैं जैसे यूलोथ्रिक्स भी एक इसका एग्जाम्पल हो सकता है जो लेक्स में प्रेजेंट होते हैं तो यूलोथ्रिक्स यूलोथ्रिक्स क्या है वो भी एक फ्लामेंटस एल्गी है कार्प्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये सब क्या है फिंटस एल्गी हैं इनमें मोस्टली ये होता है सी एनिमोन मर एनिमल सी एनिमोन में भी होता है द फेंट सिंपली ब्रेक इंटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स ऑन मैचूरेशन एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इन टू न्यूज पैर वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं कि ये देखिए इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है अब बात करते हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन है तो फ्रेगमेंटेशन इनमें ही क्यों होता है जो आप लोग अभी देख रहे हैं कि जो जितने भी मराइन एनिमल हैं या वाटर में सर्वाइव करने वाले एक्वेटिक एनिमल हैं या इनको वाटर के टच में ज़्यादा रहते हैं उनमें ही क्यों होता है जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स ये जो है जितने भी आप वाटर वाले जो प्लांट्स हैं या वाटर के टच में रहने वाले प्लांट्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं अर्लियर प्लांट ठीक है तो अर्लियर प्लांट हैं क्योंकि ये अभी एडवांस प्लांट नहीं है ये कैसे हैं लोअर प्लांट तो लोअर प्लांट्स हैं तो इनकी बॉडी कैसी होती है सिंपल होती है तो सिंपल बॉडी होने की वजह से इसमें एडवांस करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती एडवांस फीचर्स नहीं होते तो इसी वजह से इनके पास ये मेथड एक बच जाता है अब जनरली क्या होता है ये मेथड जो है हमेशा इसी मेथड से प्लांट जो होते हैं रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं क्यों क्योंकि ये मेथड जो है वो इंटेंशनली नहीं होता जैसे मान लीजिए अगर किसी प्लांट को रिप्रोड्यूस करना है नए इंडिविजुअल को फॉर्म करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये अपने आप अप डिवाइड नहीं होता ये बाय चांस होता है यानी कि एक ऐसा मेथड है जो कैसा होता है बाई चांस होता है बाई चांस मतलब अगर कोई इंडिविजुअल इसके टुकड़े कर दे प्रीडेटर से किसी एनिमल की बॉडी से या ह्यूमन की बॉडी से या किसी भी तरह से अगर इसके अनइंटेंशनली कोई टुकड़े हो जाते हैं ये फ्रेगमेंट्स ये स्प्लिटिंग हो जाती है तो फिर ये नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है यानी कि वैसे ये कोई यूजुअल प्रोसेस नहीं है तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड दैट इज़ रिजनरेशन और डिस्कस करेंगे हाउ रिजनरेशन डिफरेंशिएट फ्रॉम द फ्रेगमेंटेशन थैंक यू स्टूडेंट्स